class 9. I am continuing my lecture on your chapter 2 polynomial exercise 2.5. In my last lecture, I have explained till 7th question. Now I am explaining 8th question. Factorize each of the following. 8th question first part and 8th question fifth part. ठीक है? अब देखो कैसे करना है ये सब आपने. 8 a cube plus b cube plus 12 a square b plus 6 a b square. इसको factorize करना है. 8 होता है 2 का whole cube. 2 to the 4, 4 to the 8. ठीक है? अब मैंने आपको identity last lecture में बताई थी a plus b whole cube की. a cube plus b cube plus 3 a square b plus 3 a b square. इसको वही form लेकर आनी है. ये भी form लेकर आनी है तो ये मिल जाएगा. ये इसके equal है तो ये किसके equal होगा? पहले form कैसे लेके आनी है? 3 a square b. a मिल चुका है, b मिल चुका है. a मेरा 2 है, b है मेरा 3 है. 3 a square b plus 3 a b square. अब multiply करके देखो ऊपर वाली टर्म आती नहीं है. ऊपर square 4, 4 3 का 12, a square b. 6 a b square का देखो बनता है भाई. 3 का 6 a b square. इसका मतलब मैंने सही breakup किया. तो इसमें a मेरा 2 है, b मेरा b है. तो a plus b whole cube. यही होता है ना फार्मूला. नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट में है 8 का फिफ्थ पार्ट. ये मैंने इंटीग्रिटी वाला कर दिया. 27 3 का whole cube होता है 3 3 का 9, 9 3 का 27.
आपने वेरीफाई क्यों किया कि भैया डेड है, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करूंगी, ये फॉर्म तो मैंने ले ली, ए क्यू प्लस बी क्यू की फॉर्म मैंने ले ली, ए क्यू प्लस बी क्यू अगर इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, थ्री वाई प्लस वाई जेड, ए प्लस ए स्क्वायर मतलब थ्री वाई ओ स्क्वायर माइनस ए बी मतलब थ्री वाई टू फाइव जेड प्लस बी स्क्वायर मतलब फाइव जेड ओ स्क्वायर। तो क्या हुआ आंसर क्या आया, थ्री वाई प्लस फाइव जेड मल्टीप्लाइड नाइन वाई स्क्वायर माइनस फिफ्टीन वाई जेड प्लस ट्वेंटी वाई जेड दैट इज योर अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ और देन उसको अप्लाई करना है। सारी आइडेंटिटी